इसमें हम चीनी डालेंगे एक कप, साथ ही में चीनी भी डाल दिया एक कप, और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे जिससे गाढ़ा ना हो जाए अच्छी तरीके से। लगातार चलाते जाएंगे। अब इतना धूप हो रहा है, बाहर जाने का मन नहीं करता है कि बाहर जाकर आइसक्रीम खरीदें, तो आप इसी तरह घर में बैठे इजीली आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार होगा। अब ये देखिए लगातार चलाते जा रही हूँ, ये गाढ़ा होते जा रहा है, ये देखिए, और इसको लगातार चलाते जा रहे हैं, देखिए गाढ़ा होते जा रहा है, ठीक होते जा रहा है, ये देखिए। आप सोचेंगे कैसे पता लगेगा गाढ़ा है, ये देखिए इस तरीके से गाढ़ा चम्मच पे आने लगेगा, ये देखिए, ये देखिए। तो आप समझिए कि गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे, थोड़ा और पका लेते हैं। ये गाढ़ा हो चुका है और देखिए धीरे धीरे ठीक हो गया है, अच्छा सा इसमें बॉयल भी आने लगा है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब गैस पर से मैं इसको उतार लिया है, देखिए गाढ़ा बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम तब तक हम व्हिप्ड क्रीम को बीट कर लेते हैं। अब हम अच्छी तरह से इसको व्हिप कर लेते हैं, व्हिप क्रीम है, इसको हम व्हिप कर लेते हैं। आप कभी व्हिप क्रीम को ठंडा में ही व्हिप करें, बिल्कुल चिल्ड हो, इससे अच्छी तरह से वो व्हिप हो जाएगा और आइसक्रीम हमारा अच्छा जमकर तैयार होगा। तो ये व्हिप हो चुका है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप क्या करेंगे, मलाई जो होता है ना, मलाई से क्या करते हैं, बना। ये देखिए दूध हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं और फिर हम व्हिप करेंगे। क्रीम के अंदर हम डाल दिए, अब इसमें हम वैनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको व्हिप कर लेंगे। अब ये मैंने कंटेनर के लिया है और ये अच्छे से व्हिप्ड हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं जमने के लिए। मैं फॉइल पेपर से इसको सेट कर दिया है। ये थोड़ा और आइसक्रीम बैटर बच गया है, तो मैं सोची हूँ मैंने लिया सेंस में ये बटर स्कॉच फ्लेवर इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसको मैं व्हिप कर लूँगी। आइसक्रीम हमारा सेट हो चुका है अच्छी तरीके से, और दूसरा भी मैंने रखा था बटर स्कॉच वाला, तो इसको चाकू से मैं इस तरीके से कट करके निकाल लिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, फिर से बिल्कुल स्मूथ करना है अब इसको फिर से। तो ये मैंने मिक्सी में डाल लिया है, अब इसको हम पीस लेते हैं। बीटर से हम बीट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे जो आपको बताया था ना, अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग कलर अलग अलग भागों में कट कर लिया था, तो एक भाग को मैंने बीट कर लिया है। ये मैंने बीट कर लिया है, ये आप चाहे तो कॉफ़ी भी रख सकते हैं या कोको पाउडर, तो मैं कोको पाउडर रख रही हूँ। और थोड़ा सा इसको हम पानी में हम घोल लेते हैं, ये देखिए कोको पाउडर लिया, कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो कोको पाउडर भी आप ले सकते हैं, लेकर आप इसको व्हिप कर सकते हैं। ये देखो लम से ना रहे। अब मैं क्या करेंगे, इसमें मैं डाल दे रही हूँ कलर के लिए, ये देखिए, ये देखिए।
देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बीट कर दे रही हूँ। ये वीट हो चुका है, कलर इस पर चढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डाल देते हैं। ये कटोरे में हम अलग अलग कलर बताए थे ना, अलग अलग हम 8 कलर के हम बनाएंगे आइसक्रीम, फ्लेवर वाला आइसक्रीम हम बनाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, अब इसको भी हम साइड रख देंगे सेट होने के लिए। येलो फूड कलर डालेंगे, दो बूंद मैंने डाल दिया। अब इसको हम बीट कर लेते हैं। ये येलो कलर हो गया, येलो फूड कलर डालेंगे, दो बूंद मैंने डाल दिया। अब इसको हम बीट कर लेते हैं। ये येलो कलर हो गया, मैंने बनाया, मैंने बोला था 8 कलर का आपको बताऊंगी, लेकिन 6 कलर ही हुआ है। अब इन सबको हम जमने के लिए रख दें, इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं क्रश किया हुआ। अब इसके ऊपर हम ये मार्केट से परचेज किया था, अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इसके ऊपर, जिससे टेस्ट अच्छा लगेगा, फ्लेवर भी बढ़िया लगेगा खाने में आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट के जैसे। ये देखिए अब इसको हम जमने के लिए फ्रिज में हम रख देते हैं। आइसक्रीम हमारा बनकर तैयार हुआ। एक थोड़ा सा मैंने डो बनाया, 2-3 गिलास दूध में मैंने इतना सारा आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर का मैंने बना लिया है। अब इसको सेट होने के लिए फ्रिज में हम रख देते हैं। फिर से फॉइल पेपर से हम सभी को सेट कर देते हैं। दिखाइए और अपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप गर्मी के सीज़न है, आप इस तरह बनाइए और खाइए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। ये सारा आइसक्रीम हमारा जम गया है, एक नहीं जमा है ग्रीन वाला, कोई बात नहीं। ये देखिए अभी अच्छे से सेट हो गया, इसका पेपर मैंने फॉइल पेपर मैंने हटा दिया है। अब चलिए हम इसको स्कूप करते हैं। ये देखिए आइसक्रीम, ये पाइनएप्पल फ्लेवर है और ये है चॉक। ये देखिए सही कर रही हूँ, सारे फ्लेवर तो हमें कि वाइट निकाल रही हूँ। अब मैं ये देखिए ये बटर स्कॉच है, ये फैल रहा है, थोड़ा और इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक ग्रीन कलर अभी हमारा सेट नहीं हुआ है, नहीं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया हमारा आइसक्रीम जमा है, बिल्कुल मार्केट के जैसे। हम मार्केट में जो खरीदने जाते हैं ना, इतने महंगे देते हैं, तो हम घर में ही जमाया था, इतने इंग्रेडिएंट से हम बनाए इतना सुंदर और इतना बढ़िया आइसक्रीम। अलग अलग फ्लेवर से बटर स्कॉच, पाइन एप्पल, जो फ्लेवर आपको मैं दिखाया ही था सारे फ्लेवर मैंने बनाया है, और कलर फूड था अपने पसंद से जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बना है ये आइसक्रीम, जो बच्चे को तो मन को भा ही जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर और कितना स्मूथ लग रहा है।